الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس دور پر نازا تھی دنیا جس دور پر نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پر نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی تو یاد رہی دنیا کی کہانی تو یاد رہی اب ہم اپنا فسانہ بھول گئے دنیا کی کہانی تو یاد رہی اب ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گیا دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گیا اغیار کا جادو چل بھی چکا 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 اور ہم یوں سمجھو کہ ستائے بھی گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اور یوں سمجھو کہ ہم ایک تماشا بن بھی چکے اس وقت اغیار غیروں کا جادو چل رہا ہے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کو جگانا یاد رہا دنیا کو جگانا یاد رہا آج یہی حال ہے ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ دنیا کو ہم جگاتے پھر رہے ہیں دنیا کو جگانا یاد رہا دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے وہ ذکر حسی رحمت کا امی وہ ذکر حسی رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین وہ ذکر حسی رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین وہ ذکر حسی رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے لیے نغمے تو سکھائیں
दुनिया के लिए नगमे तो सिखाएं, अल्लाह का तराना हम भूल गए। दुनिया के लिए नगमे तो सीखें, अल्लाह का तराना भूल गए। अंजामे आज़ादी क्या कहिए, हम आज़ादी का रोना रो रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। अंजामे आज़ादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। अंजामे आज़ादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। अंजामे आज़ादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। जो दर्स शहे बतहा ने दिया, जो दर्स शहे बतहा ने दिया, दुनिया को पढ़ाना भूल गए। आका इनामदार जनाब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स हमें दिया था, दुनिया को पढ़ाना भूल गए। दुनिया का घर आबाद किया, दुनिया का घर आबाद किया, उकबा मगर बर्बाद किया। दुनिया का घर आबाद किया, उकबा मगर बर्बाद किया। दुनिया का घर आबाद किया, उकबा को मगर बर्बाद किया। मुश्किल में तो अल्लाह को याद किया, मुश्किल में तो अल्लाह को याद किया। मुश्किल आसान हुई तो अल्लाह को भूल गए। मुश्किल में तो अल्लाह को याद किया, मुश्किल आसान हुई तो अल्लाह को भूल गए। तकबीर अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर, नारे अब भी लगते हैं मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जलसों में देखो कैसे नारे लगते हैं। तकबीर अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर, जिस जरब से दिल हिल जाते थे वो जरब लगाना भूल गए। जिस जरब से दिल हिल जाते थे वो जरब लगाना भूल गए। वाजिबुल एहतराम काबिल सत्तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है आज इस सगराम पूरा के बड़ी मस्जिद में हाजिरी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी बात कहलाएं हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बात आती बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, बयानात बहुत हैं, हमारे इलाकों में हमारे जगह जगह प्रोग्राम तो बहुत हो रहे हैं। अल्लाह वालों ने नसीहत तो बहुत की है, बहुत अकाबिर तो आ चुके हैं, बहुत सी नसीहत हो चुकी है, और पता नहीं कि आंखें भी बंद हो जाती और चले भी जाते हैं, लेकिन वो नसीहत धरी की धरी रह जाती। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हर चीज़ को, हमारे हर आमाल को अल्लाह कबूल फरमा ले। ज़िंदगी वो ज़िंदगी ना रहे कि जिस ज़िंदगी में सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी हो, ज़िंदगी वो ज़िंदगी बन जाए कि जिस ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हो जाए। इस वक्त हमें ये समझना है कि ये मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का महीना भी ये पैगाम देता है कि कुर्बानी, और ये इस्लामी साल का पहला महीना, और इस्लामी साल की जो शुरुआत की गई वो हिजरी से शुरुआत की गई, जिसमें इज्तिमाईयत बतलाई गई है कि सारे लोगों ने एक साल एक साथ मिलकर कुर्बानी पेश की थी, और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने इस्लामी साल की शुरुआत भी इसी बुनियाद पर की है कि इसमें सिर्फ एक की कुर्बानी नज़र नहीं आती बल्कि सब की कुर्बानी नज़र आती। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़िया हम सुनते हैं कि तपती रेत पर लिटाया गया, खब्बाब के सर पर रोड मार दिया गया, तड़प गए, मचल गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि लटका दिया गया, बर्दाश्त नहीं कर पाई, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। और क्या क्या ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि ऐसे ऐसे मसाइल, ऐसी ऐसी परेशानियां आई हैं। सिर्फ ये नहीं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि उनसे मोहब्बत करने वाले जितने लोग थे उनसे मोहब्बत करते थे, सब पर हालात आए। और इस्लाम कबूल करो, ईमान कबूल करो, तो हालात तो चलते हैं। और याद रखें कि ये याद रखें कि दुनिया काफिरों के लिए तो आज़ाद खाना है, मोमिनों के लिए नहीं है। जन्नत तो हमारे लिए नहीं है, जन्नत हमारे लिए बनी है। हमें तो यहाँ मेहनत और मशक्क़त के बाद आगे अल्लाह को राज़ी करके चलना है। दुनियावी जो ज़िंदगी हमारी गुज़रती है
उन गुजरती हुई दुनिया के अंदर हमें यह देखना है कि हम कितना नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलते हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने आशिक हैं, नबी के कितने दीवाने, नबी के कितने मस्ताने हैं, नबी की सीरत पर हमारी कितनी ज़िंदगी गुजर रही है। और यही कुर्बानी हमारी ज़िंदगी को सिखा रही कि कुर्बानी असल ये है। अभी इससे पहले ज़िलहज्जा का महीना गया कि जिसमें भी कुर्बानी बतलाई गई कि इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम को याद रखें कि इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम से भी यही कहा गया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि ए इब्राहिम, जिसको मैं अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता हूँ, जिसके दिल को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता हूँ, ये इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसके दिल को मैं अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता हूँ, उसके दिल को अगर आग में या उसके जिस्म को आग में भी डाल दिया जाए ना, उसका दिल इधर उधर पलटता नहीं है, दिल बदलता नहीं है, उसका जहन एक होता है अल्लाह की तरफ, उसके अलावा कहीं उसका जहन नहीं होता। आग में डाला निगाह सिर्फ अल्लाह पर, किसी और पर निगाह नहीं। आज हम मुसलमानों ज़रा अपने बारे में गौर करें, फिक्र करें, ज़रा सी हालात आते हैं, ज़रा से मुश्किलात आती है तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मौलाना हालात है, दुनिया को भी देखकर चलना पड़ता है। लेकिन आशिक रसूल, मस्तान रसूल, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और मस्तानों को देखा कि जब इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के वाक़े को पढ़ा कि इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल पर तो छुरी रखी, लेकिन कुर्बानी के लिए अपने बेटे पर तैयार तो हो गए लेकिन दुम्बा आ गया, लेकिन सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन को बराह रास्त अपने आप को सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने अपने आप को पेश कर दिया था, गर्दने अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर रख दिया था कि कुर्बानी इस तरह दी जाती है। और उम्मते मुस्लिमा को पैगाम दे दिया कि मुसलमानों, कुर्बानी देखना हो तो जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाज, जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपह सालार, नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्ताने, नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे अपने आप को मोहब्बत पर लुटाने वाले, वो उनका हाल ये था कि अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म आ जाए, आमन्ना वसद्दकना, हर चीज़ नबी अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर देते थे। मुसलमानों, हम कहाँ जा चुके हैं, किधर जा चुके हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है? क्या आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चले गए और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वहाँ खड़े हो और हम जैसे खड़े हो और अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि उम्मती तो अपने आप को तुम कहकर आए हो, ज़रा तुम मेरे सहाबा को देखो और तुम अपने आप को देखो, नाम तो अबू बकर रख लिया तुमने, नाम तो उमर रख लिया तुमने, नाम तो उस्मान रख लिया तुमने, नाम तो अली रख लिया तुमने, नाम तुम्हारी औरतों का फातिमा तो हो चुका, नाम तो तुम्हारी औरतों का सुमैया तो हो चुका, लेकिन तुम्हारे अपने घराने में झांक कर देखो कि तुमने कितना नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी में कितना लाया है, मेरे इश्क को अपनी जिंदगी में कितना उतारा है, जरा अपने गिरेबान में झांक कर हमें इस चीज को देखना है कि कल क़यामत के दिन आका नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर मौजूद हो तो क्या अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम अपना चेहरा दिखा सकते हैं क्या? हालात का रोना रोने वाले मुसलमानों, दुनिया के हालात तो बदलते हैं लेकिन मुसलमान ये नहीं होता कि डर जाता है, मुसलमान ये नहीं होता कि गमगीन होता है, मुसलमान ये नहीं होता है कि नादिम होता है, मुसलमान वो होता है जो आगे बढ़ता है और फिक्र करता है, मेहनत करता है। कुरान करीम की आयत मैंने खुतबे में पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, जिस तरह अल्लाह से डरना है उस तरह डरने वाला मिजाज बनाओ, तकवा इख्तियार करो, जिस तरह डरना चाहिए उस तरह डरो। और क्या फरमाया, वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत आए ना
तो किस पर आए? इस्लाम पर मौत आए, किसी और चीज़ पर मौत नहीं आना चाहिए। आज हमारा हाल, हालात को देखकर सबसे बड़े परेशानी ये है कि इंसान जब हालात को देखता है ना, तो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है, या अपने उलमा, अपने अकाबिर को कोसना शुरू कर देता है। मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ कि मोबाइलों ने दुनिया को बर्बाद कर दिया है, और जितना व्हाट्सएप के अंदर बैठकर हमारा मुसलमान अपने आप को बर्बाद करता, किसी और जगह बर्बाद नहीं करता है। काश के अगर ये व्हाट्सएप बंद कर दें, कुछ देर अल्लाह के पास बैठ जाए ना, वक्त का वली बन सकता है। ज़रा सर झुकाएं, ज़रा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हैं हो जाएं, और अल्लाह की तरफ इस दिल के अंदर झांकने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, आप मेहनत करोगे, याद रखो कि इसी दिल में अल्लाह नज़र आ जाएगा आपको। मुँह देख लिया आईने में, मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गया। हालत यह है कि दिल की तरफ तवज्जो नहीं, लेकिन मोबाइल ने जो है ना हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मोबाइलों के पीछे अपने आप को ऐसा लगाते हैं, और माशाल्लाह इल्म तो नहीं, इस्लाम की मालूमात नहीं, अहादीस की मालूमात नहीं, कुरान करीम की मालूमात नहीं, चंद थोड़ी सी मालूमात हो जाती है, इधर से उधर शेयर करना शुरू कर देते हैं, बर्बाद कर दिया। एक तो है कि दुनिया जो है ना मुसलमानों के पीछे पड़ी है, और मुसलमान का हाल यह है कि वो अपनों ही के पीछे पड़ा है, किसी और के पीछे नहीं पड़ा। इज्तिमाईयत को पारा पारा अगर कोई कर रहा है तो हम ही कर रहे हैं। याद रखो, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हालात बहुत संगीन थे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्ला में नमाज पढ़ने गए, ओझड़ी डाल दी गई, या उनके ऊपर ओझड़ी डाल दी गई, और यहाँ तक कि फातिमा भी दौड़कर आ गई, बर्दाश्त नहीं कर पाए। हो सकता है कि हमारे आंखें नम न हो, लेकिन हाल ये होता है कि जो नबी का दीवाना और मस्ताना और आशिक और मस्तजार होता है, उसी का दिल कांपता है, तड़पता और मचलता है कि किसके ऊपर? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओज डाल दिया गया, चीज़ें डाल दी गई। लेकिन उस वक्त सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला मजमईन का ये मिजाज नहीं था, और ये नहीं कहते थे कि ये क्या मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं, ऐसे इस्लाम को छोड़ देना चाहिए हमें, या ये है कि ये उलमा कुछ नहीं करते, नबी अलैहिस्सलाम कुछ नहीं करते, सिर्फ खामोश बैठे रहते हैं। ये अल्फाज नहीं थे। हालात बहुत आए, बहुत सताया गया, बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया, और यहाँ तक कि मैं आपको कहता हूँ कि सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का वाक्या मैंने कई जगह सुनाया कि सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को लटका दिया गया, दोनों हाथ बांध दिए गए, दोनों पैर बांध दिए गए, और सुनबैया रदी अल्लाह ताला अन्हा लटकी हुई है, और यह हाल था कि खोद की कड़िया पिना दी गई, और वो इतना गर्म धूप, दोपहर का वक्त था, धूप की वजह से तप रहा था, और बदन अंदर से झुलस रहा था सुमैया का, आंखों से आंसू बह रहे थे, और कुफ्फारे मक्का सामने बैठकर हंस रहे थे सुमैया को देखकर। सुमैया आंखों से आंसू बहा रही थी, और यहाँ पर कुफ्फारे मक्का हंस रहे थे, सुमैया के आंखों से आंसू निकल रहे थे, और कुफ्फारे मक्का की जबान खुली हुई थी और दांत निकल रहे थे, और वो कहकहे लगा रहे थे, और सुमैया बिचारी मजलूम थी और तड़प रही थी, और सुमैया तो लटकी हुई थी, दोनों हाथ बंधे थे, दोनों पैर बंधे हुए थे। आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ सुमैया को देखा, सुमैया ने यूँ नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सुमैया के आंखों में आंसू थे, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमैया को देखा, और क्या कहा सुमैया को? सुमैया को ये कहा, सुमैया सुमैया सब्र कर लेना, सब्र कर लेना, इसके बाद तेरे लिए जन्नत है, सब्र कर लेना, इसके बाद तेरे लिए जन्नत है। मुसलमानों ज़रा बतलाओ, अगर हमारे उलमा सिर्फ ये कह दे कि मुसलमानों सबर कर लेना, मेहनत कर लेना, कोशिश कर लेना, आगे तुम्हारे लिए कामयाबी है, तो क्या कहेंगे? मौलवी लोग तो बोलकर चले जाते हैं, घर में जाकर आराम से बैठ जाते हैं, पिसना तो हमें, मिटना तो हमें है, और हालात में तो हमें गिनना, ये तो गाड़ियों में आते चले जाते हैं।
अगर हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होते तो यही अल्फाज निकालते। क्योंकि बतलाऊं, गज़वे बदर का मामला था, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में थे, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वो बना दिया गया था, और वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे थे, और सहाबा क्या कर रहे थे? मैदान जंग में थे, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? दुआ फरमा रहे थे। तो हम होते तो क्या कहते? हमें तो जंग में निकाल दिया, खुद बैठे हुए अंदर दुआ कर रहे। ये हमारे अल्फाज होते। मैं तो कहता हूं कि अच्छा है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम नहीं थे, वरना हम ही मुनाफिक या काफिर होते हम। आजकल दीन के काम करने वालों को हम आगे बढ़ने नहीं देते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में यहां तक आता है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आते थे, तशरीफ लाते थे, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपने नबी अलैहिस्सलाम के चप्पल को लेते थे और अपने दामन में रख दिया करते थे, छुपा कर रखते थे। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे तो वह अपने नबी अलैहिस्सलाम के चप्पल को नबी अलैहिस्सलाम के करीब रख दिया करते थे। हम होते तो बहुत बड़े बनते हैं। देखो क्या अल्फाज होते हैं हमारे। हालात तो है, मैं कहता हूं, मैं उस पर बात करता, लेकिन यह बात छिड़ चुकी है, तो मैं यह कहता हूं कि मुसलमानों, पहले दूसरे से गम बाद में है, पहले अपनों से। दीन के काम करने वालों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, इज्तिमाइयत को पारा पारा करने की कोशिश की जा रही है। अब तो हाल यह है कि बहुत से बंदे काम करने के मैदान में उतरते हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन मैदान में उतरने के बाद तनकीद अपनों पे करना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन काम करते हैं, एक साल काम करते हैं, फिर धीरे से शुरू कर देते हैं। मदरसा बनाया, दूसरे मदरसों पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तंजीम बनाई, दूसरी तंजीमों पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। दीन का थोड़ा अच्छा काम किया तो काम इस तरह करना चाहिए, वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं, उंगली उठाना शुरू कर दिया। अगर आकर मस्जिद के हलके में बैठना शुरू किया, थोड़ी दिन मस्जिद के हलके में बैठना नहीं शुरू किया, दूसरों पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं कि गीबत करना कितना बड़ा गुनाह, इसके बारे में भी तो जरा सोचें। एक काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कितना काम बिगाड़ रहे हैं, ये भी तो देखें। हमारा काम है करना, तनकीद करना हमारा काम नहीं। मेहनत करो, खूब मेहनत करो। याद रखो कि आपकी मेहनत, अगर अल्लाह को रहम आ गया आपकी मेहनत पर, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की रहमत उतर जाए और अल्लाह की रहमत उतरने की वजह से पूरे दुनिया के अंदर भौचाल आ जाए। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है, हमें मेहनत करनी है। और याद रखो कि हम ये सोचे कि हम मेहनत करेंगे पूरी दुनिया के अंदर दीन फैल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हां, हमारे अंदर तवाजु रहेगी तो फैलाने वाली जात अल्लाह की, वो इंशाअल्लाह करवा के बतला देगा आपसे। आप मेहनत तो करो, कोशिश तो करो, लेकिन तनकीद छोड़ो। तनकीद ने तोड़ दिया हमें। सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा लटकी हुई है, और हाल यह है कि दोनों हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, और जीरा पीना रखा है, और जीरा तप रहा था धूप की वजह से, सूरज की तपिश की वजह से तप रहा था, और अंदर वो झुलस रही थी सुमैया, और बर्दाश्त नहीं कर पाई, आंखों से आंसू निकल आए, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं सुमैया को देखा। सुमैया ने यूं देखा, अल्लाह के रसूल जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमैया से कहा कि सबर कर जाना, इसके बाद तेरे लिए जन्नत है। सुमैया ने कहा, मेरे मोहम्मद, जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सबर कर जाना, इसके बाद तेरे लिए जन्नत है। मैं आका इनामदार जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सा गुलाम हूं, मैं सबर कर जाऊंगी, कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे उफ तक नहीं करूंगी। यहां तक के नबी अलैहिस्सलाम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और कुफ्फारे मक्का ने वही उन्हें कत्ल कर दिया,
और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दीवानी को, उस मस्तानी को वहीं शहीद कर दिया गया। कहते हैं कि औरतों में सबसे पहले अगर शहीद होने वाली है तो सुमैया है, और सुमैया ने मुसलमानों को पैगाम दे दिया कि मैं अदना सा जान थी, मैं एक औरत थी जो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि मैंने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम सुना कि सुमैया बर्दाश्त कर जाना, तेरे लिए इसके बाद जन्नत है। तो मैंने कह दिया था कि मैं बर्दाश्त कर जाऊँगी, मैं कट जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, हर चीज़ मुझे बर्दाश्त है, लेकिन नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी छूट नहीं सकती मुझसे। मुसलमानों, आज ये पैगाम है कि हर चीज हो सकता है कि नबी की गुलामी इंशाल्लाह छूट नहीं सकती। इंशाल्लाह आज दुनिया के अदना हालात को देखकर सूद की रकमें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हदीस में आता है कि सूद की रकम लेना वाला वो है, ब्याज की रकमें लेने वाला वो है कि जो अल्लाह से बराह रास्त जंग करने के लिए तैयार। अच्छे अच्छे दीनदारों को देखा कि ब्याज की रकमें लेते हैं, उन्हें जब समझाया जाता है तो कहते हैं मौलाना हालात तुम्हारे घर पर थोड़ी है, हालात हमारे घर पर है। तो मैं उन्हें कहता हूँ अरे हजरत जी आपको क्या बतलाऊं, हालात तो हजरत फातिमा के ऊपर भी थे ना, कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मामला तो ये था कि पेट पर पत्थर बंधे हैं और रोटी का टुकड़ा आया, और यहाँ रोटी का टुकड़ा आना था कि तकसीम हो गए सब बा बच्चों को, सबको तकसीम हो गया, और अचानक के वहाँ से ये हाल हुआ कि एक फ़कीर आया तो रोटी का टुकड़ा उठाकर दे दिया। और एक वाक़या ये भी मिलता है कि रोटी का टुकड़ा हज़रत फ़ातिमा को मिलता है, फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी का टुकड़ा यूँ उठाती है, अपने मुँह की तरफ ले जाती है, और जैसे ही रोटी का टुकड़ा काटने जाती है, खाने जाती है, अचानक याद आ जाता है, फौरन उठती है और उसे अपने दामन में बांधती है, दौड़कर आकाए नामदार अपने वालिद महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से पूछा कि फातिमा क्यों आई हो, तो फातिमा ने कहा कि अल्लाह के मेरे अब्बू अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बतलाऊँ, रोटी आई थी, कई दिन गुजर गई, पेट में खाना नहीं गया, मैं खाने ही जा रही थी कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे अब्बू मोहतरम, मेरे वालिद गिरामी, हो सकता है कि उनके दिल में, उनके पेट में भी कई वक्त से खाना नहीं गया हो, इसलिए मैं दौड़कर अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खिदमत में रोटी लेकर आई हूँ। दामन खोला, रोटी निकाला, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाया, आंखों से आंसू बहने लगे, और आंख सर उठाया और कहने लगे बेटी क्या बतलाऊँ, मेरी जान अल्लाह पर कुर्बान हो, सच बतलाता हूँ, कई दिन गुजर गए, पेट में खाना नहीं गया। और मुसलमानों का हाल है, कहते हैं मौलाना आप पर कहाँ बीत रही, बीत तो हमारे ऊपर रही, तो क्या मौलवियों पर ईमान लाए कि अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए? इस्लाम ईमान मौलाना पर लाए। मुझे बाज लोग कहते हैं मौलाना आप ये सुन्नत तरीके पर इस तरह चलते नहीं हैं, और फिर हमें कहते हैं कि ये तरीका है। तो मैं कहा करता हूं अक्सर व बेशतर कि अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे तंबीह फरमाई, लेकिन याद रखो कि दूसरा जो लफ्ज़ कहा कि हमें कहा जाता है, तो याद रखो ईमान आप हम पर नहीं लाए, ईमान आप आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाए। हम मौलाना हो सकता है कि बहुत सी कमी हो सकती है, लेकिन यह है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई कमी नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह। क्या हो गया हमारे मुसलमानों को, ज़रा अपने दिल की तरफ झांको, ये दिल बहुत गंदा हो चुका है। हमारे हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी अक्सर कहा करते हैं कि मंदिर में तो एक मूर्ति है, हमारे दिलों में हज़ारों मूर्तियाँ पड़ी हैं। हम मंदिरों में जाकर तो कहते हैं कि मूर्ति मूर्ति मूर्ति, लेकिन दिल की तरफ झांक कर देखो कि हज़ारों मूर्तियाँ इसी दिल में नज़र आएंगे। अल्लाह के पास जाना है, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में,
दिल ऐसा लगाया जीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गया। हाल ये हो गया, दिल लग गया है। हमें लगता है कि इसी बस यही जिंदगी गुजारनी है, हमें लगता है यहीं रहना है। गीबत करो, चुगली करो, हसद करो, बुग्ज करो, रियाकारी करो, झूठ बोलो, दगाबाजी करो, धोखा दो, फरेब करो, बदमाशी करो, अय्यारी करो, माँ बाप के इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओ, खेल करो, तमाशा करो, जो करना हो इस धरती पर करो, 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 कोई पूछने वाला नहीं। ये ना समझो कोई पूछने वाला नहीं। आँखें बंद होगी, जबान रुकने वाली है आपकी, आपके कान बंद होने वाले हैं, आपके हाथ रुकने वाले, पैर रुकने वाले। एक साथ हमको जाना है अल्लाह के दरबार पर, अल्लाह के सामने जवाब देना है। मर के मर जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मर के मरना भी नहीं, मर के तो जीकर अल्लाह के। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन अखरा उखरा। इसी से अल्लाह ने पैदा किया, इसी में अल्लाह दोबारा भेजने वाला है। मर के मर जाते तो बहुत अच्छा होता, मर के मरना भी नहीं है, मर के अल्लाह के पास जवाब देना है। हर इंसान को जवाब देना है। हर इंसान अपने दिल में झांके, अपने दिल में देखें, अपने घरों में देखें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें। याद रखो, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दुनिया की कोशिश चल रही है मुसलमानों को मुसलमानों से, अपने इस्लाम से हटाने की, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हटाने की। लेकिन मुसलमानों, आप याद रखो, दुनिया अपनी कोशिश करे, करते रहें, आप आंखों में आंखें डालकर कहें हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के मस्ताने हैं, हम नबी के आशिक हैं, नबी के सीरत पर चलने वाले हैं, हम भी नहीं बदलेंगे, हमारा घर भी इंशाल्लाह नहीं बदलेगा। इंशाल्लाह हम अपने पर भी मेहनत करेंगे, अपने घर पर भी मेहनत करेंगे, अपने आप को भी बदलेंगे, अपने घर को भी इंशाल्लाह बदलेंगे। मुसलमान तो वो था जो हाथ उठाता तो काया पलट जाया करती थी, लेकिन आज का हाल हमारा क्या है जरा देख ले। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में, ए अनवर, जिस जरब से दिल हिल जाते थे, जिस जरब से दिल हिल जाते थे, वो जरब लगाना भूल गए। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक़ और जज्बा अता फरमाए। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना, मस्ताना, नबी का आशिक, नबी की एक एक सुन्नत पर चलने वाला बनाए। चले तो कहने वाला कहे कि कौन जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है। चले तो कहने वाला कहे कौन जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। चले तो कहने वाला कहे कौन जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है। चले तो कहने वाला कहे कि नबी के हकीकी गुलाम को देखना हो तो इस शख्स को देख लो, ये नबी का हकीकी गुलाम है। इस तरह बनकर बतलाओ और अपने समाज को, अपने इलाके को बदलने की कोशिश करो, अपने इलाके में साफ सफाई को बनाने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये नारा उनका नहीं था, ये नारा हमारा था, लेकिन यह नारा बदल गया है, उन तक पहुंच गया है। लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ाफ़त को भी सिखाया है और सफाई को भी सिखाया है, हर चीज़ को सिखाया। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक़ अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए। अल्लाह हम दुआ करते हैं, अल्लाह इस दिल को अब बदल दें। जिंदगी बहुत गफलत में गुजारी, हमने तो ये सोचा था कि चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हकीकत के आज आँख खुली है। अल्लाह हमें असल हकीकत अता फरमा दे, नेक और मस्ताना और सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।